दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेल के रिन्यूड पीसी डेल ऑप्टिलेक्स 5054 SFF मॉडल की, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर कमेंट किया हुआ है मिनी पीसी के अंदर कि रिन्यूड में फुल साइज पीसी के बारे में बताइए। तो ये मिनी नहीं है लेकिन कंपैक्ट साइज में फुल साइज है। फुल साइज होने के बावजूद भी जो इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट है वो मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड अलग से इसके अंदर भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कंपोनेंट इसके अंदर जो बड़े वाले डेस्कटॉप के होते हैं वो सारे के सारे हैं, और मिनी पीसी के अंदर सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे लैपटॉप वाले होते हैं, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स डेस्कटॉप वाले होते हैं, लेकिन ग्राफिक कार्ड इसके अंदर भी अपग्रेड आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस कैबिनेट के अंदर जगह नहीं है। इसको कॉम्पैक्ट बनाया ही गया है लेकिन बड़ा बनाया हुआ है। बाकी कनेक्टिविटीज वगैरह सारी की सारी बड़ी पीसी वाली आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट पर भी कार्ड रीडर वगैरह यूएसबी सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। बैक साइड में देखेंगे तो इसके अंदर 3 डिस्प्ले को कनेक्ट करके आप ट्रेडिंग का भी काम कर सकते हैं। वीजीए कनेक्टिविटी, डिस्प्ले पोर्ट और HDMI कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। ये सारी चीजें जो है इस बॉडी के अंदर, जो कि ठीक ठाक सा एक जो है कंपैक्ट पीसी के रूप में आप इसको ले सकते हैं। दिखने में बड़ा साइज है और आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं आराम से। इसका प्रोसेसर जो है सेम जनरेशन रखते हुए आप इसको अपग्रेड भी कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं रिन्यूड पीसी की 6th जनरेशन की, तो आज के रेट में रिन्यूड पीसी अगर बाय कर रहे हैं तो उसको अपग्रेड करने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना संभव हो सकता है उस हिसाब से ऑलरेडी ये पीसी अवेलेबल करा रहे हैं। रिन्यूड पीसी हम बात कर रहे हैं, एक से एक मॉडल मैं सिलेक्टेड मॉडल लेकर के आया हूं। एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है, इसीलिए जब भी आप बाय करें बगल में थोड़ा सा सस्ता दिख रहा हो अगर क्लिक कर रहे हैं उसको बाय ना करें, क्योंकि ये बड़ा ही हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर सिलेक्टेड लिंक दिया हुआ है। लोग क्या कर रहे हैं, जा करके दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बाय कर ले रहे हैं ₹1000 सस्ता देख करके, और वहीं पे वो लोग फंस जा रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, बजट के हिसाब से बड़ा ही सिलेक्टेड मॉडल है ये सारे के सारे। जो लिंक पर जो खुलेगा उसी को बाय करें, अलग अलग हमने लिंक दे रखा है। साइड में दूसरा अगर बाय करेंगे तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आइए दोस्तों इसके कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर i5 का 6600 प्रोसेसर लगा हुआ है 6th जनरेशन का, और 8GB रैम के साथ में 256GB SSD इसके अंदर लगी हुई है। विंडोज 10 प्रो के साथ में आएगा, 11 में आप इसको अपग्रेड कर पाएंगे। 1 ईयर की वारंटी के साथ में ये आता है और वैसे ये खराब नहीं होते, बहुत ही अच्छे पीसी रहे हैं ये मॉडल्स, जिसकी वजह से रिन्यूड में ये बहुत ही ज्यादा आए हुए हैं। किसी भी ऑफिसेज गवर्नमेंट वगैरह ऑफिसेज ये हमेशा अपग्रेड किए जाते हैं तो रिन्यूड में आ जाते हैं, जिनको सही तरीके से साफ वगैरह करके अच्छे से नए जैसा बना करके कंपनी दोबारा जो है प्रोवाइड कराती है। जिनके पास बजट कम है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत एक वरदान साबित होता है। तो इस पीसी को अगर आप लेते हैं तो ये प्राइस इसका ₹15,500 ₹15,400 अभी फिलहाल है, इसके आसपास ये मिलेगा और ये बिल्कुल भी वर्थ कर रहा है इस बजट में ये पीसी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, चूंकि ब्रांड है डेल जैसा ब्रांड है, काफी लोग कहते हैं कि इतने में मैं असेंबल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे और इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर होगा। ये ब्रांड का है, डेल जैसे ब्रांड का एक भरोसा मिल रहा है और ये सब जल्दी खराब नहीं होते हैं। इसी बजट में अगर आपने नया असेंबल करा लिया तो आप दुकान पर दौड़ते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन एक बार खरीदेंगे आप बहुत सालों तक यूज कर सकते हैं। डेल का ये भी जो है प्रोसेसर वही है, i5 का 6th जनरेशन ही है। इसके अंदर 16GB रैम लगा हुआ है और 512GB SSD लगा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन है। विंडोज 10 के साथ में ये भी आ रहा है, MS Office के साथ में ये भी आ रहा है। प्राइस इसका ₹16,500 ₹15,500 अगर आप देते हैं तो यहां पर जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रैम भी जस्ट डबल हो जा रही है और SSD स्टोरेज भी जस्ट डबल हो जा रहा है, और प्राइस आपका बढ़ रहा है मात्र ₹1,000। तो इस वक्त अगर प्राइस यही रह रहा है जिस वक्त आप ये देख रहे हैं तो ये लेने में काफी बेहतर होगा आपके लिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आ जाता है i5 6th जनरेशन, प्रोसेसर वही है, 8GB रैम और 1TB हार्ड ड्राइव के साथ में 128GB SSD जिसके अंदर विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल है SSD के अंदर। इसके अंदर यानी कि 2 स्टोरेज आपको देखने को मिल रहा है, रैम तो 8GB है लेकिन 1TB हार्ड ड्राइव में आप अपना डाटा वगैरह रख सकते हैं, गाना वगैरह या फिर जो भी आपका डाटा हो वो रख सकते हैं, सॉन्ग्स वीडियोस वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। और 128GB के अंदर आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रख करके, सॉफ्टवेयर डाल करके आप जो है इससे बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। ये भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है अपने आप के अंदर, और इसका प्राइस जो है इस वक्त 17,000 है, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन इसके लिए भी हो सकता है। बाकी नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रोसेसर वही है, बस इसके अंदर पिछला वाला जो आपने देखा अभी वो 8GB रैम के साथ में था और ये 16GB रैम के साथ में है, 1TB हार्ड ड्राइव के साथ में, 128GB SSD के साथ में, विंडोज 10 प्रो के साथ में आ रहा है, MS Office भी इसके अंदर मिलेगा। इसका प्राइस अभी फिलहाल ज्यादा हो गया है, एक्चुअली 22,000 रेट दिखा रहा है, लेकिन ये हमेशा 18, 18.5, 19 के आसपास अगर ये मिलता है तो ये
काफी अच्छी डील रह सकती है आपके लिए। तो दोस्तों ये थे डेल के बहुत ही अच्छे मॉडल्स जो बहुत ही ज्यादा बिक रहे हैं और बहुत ही अच्छे आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसीलिए हमें भी खुशी हो रही है। और मैं सेलेक्ट करके जो बेहतर हो सकता है वो पीसी रिन्यूड का मैं लेकर के आ रहा हूं ताकि आप लोगों का काम भी हो सके, कम बजट के अंदर आप बेहतर परफॉर्मेंस ले सके। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। दोस्तों मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।